मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल वेलकम इन एसपीएस मॉर्निंग क्लासेस। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश क्लास में कर रहे हैं टोइंग गार्डन। ठीक है, जो हमने लेसन पढ़ा था बाइक के द्वारा, उसके बाद ये पॉइंट है उसके लेसन की गार्डन सुने दो, ये जिसको हम रीड करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गार्डन सुने। आप सभी भी वीडियो को ऑन करेंगे और अपनी बुक पास में रखिए, पहले इसको लाइन टू लाइन इसको समझोगे पॉइंट को। ठीक है, छोटी सी पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऊपर वाला दिया था ना, ये वाला पढ़ेंगे। Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? क्या कभी आपने कोई स्नेक को फाइटिंग मतलब लड़ाई करते हुए देखा है, फाइटिंग अ मोंगूज और गेटिंग इनटू ए होल, और किसी या तो लड़ाई करते हुए देखा है स्नेक को और देखा है गेटिंग इनटू अ होल। होल मतलब क्या होता है, छेद वगैरह में जाते हुए, स्विमिंग इन द रिवर और नदी में तैरते हुए। एवरीवन ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस। एवरीवन ऑलमोस्ट एवरीवन सभी लगभग सभी जो है क्या हम सभी क्या मानते हैं कि स्नेक्स क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं मतलब खतरनाक होते हैं। तो हमें पता है हम जब कभी मान लो हमने कभी स्नेक देख लिया तो हम डर जाते हैं ना कि काट लेगा हम मर जाएंगे, जो बहुत जहर होता है। ठीक है, तो सम आर मोस्ट आर नॉट, तो वो कहते हैं कि सम आर मतलब कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं लेकिन मोस्ट आर नॉट, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्नेक्स जो अपने हार्मलेस होते हैं वो इंसान ही पहुँचाते हैं। रेड दिस पॉइंट ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। अब ये पॉइंट जो है वो हम पढ़ने जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं गार्डन स्नेक, एक गार्डन के स्नेक गार्डन मतलब जो बगीचे में रहने वाला स्नेक है उसके बारे में है, और जो क्या है हार्मलेस है जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट लाइन से। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे, जो पॉइंट है मुरियल एल सोन, ये पोएट है जिसने इनको पॉइंट को लिखा है। तो वो कहते हैं कि मैंने स्नेक देखा और मैं भाग गई। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं डेंजरस होते हैं। इसके बॉडी में लिख रहे हैं साथ साथ डेंजरस मतलब खतरनाक, कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं खतरनाक। दे से बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन माँ कहती है कि दैट काइंड इज गुड, उस प्रकार के जो स्नेक होते हैं वो क्या होते हैं अच्छे होते हैं। यहाँ पे जो दैट वर्ड आया है वो किस लिए आया है, गार्डन स्नेक के लिए आया है। ध्यान रखना ये जो दैट वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, गार्डन स्नेक के लिए आया है। माँ कहती है कि जो गार्डन के स्नेक हैं वो क्या होते हैं गुड होते हैं मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड इज अ इंसेक्ट फॉर हिज फूड, और वो क्या खाते हैं इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट कीड़े कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, अपने फूड के लिए फूड के रूप में। और सो देन ही विगल्स इन द ग्रास, विगल्स सॉरी विगल्स नहीं है विगल्स है, विगल्स होता है लहरा के चलना, जैसे शाम चलता है ना ऐसे 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 ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं विगल्स। शाम से जो है सो वेन ही विगल्स इन द ग्रास, और जब घास पर ग्रास करके घास पर ऐसे लहरा के चलता है। आई विल स्टैंड असाइड, मैं क्या है असाइड मतलब पास में, असाइड पास में मतलब पास में कह सकते बिल्कुल मतलब एक साइड होता खड़ी करना असाइड, एंड वॉच ही पास, पास मतलब गुजरना, पास मतलब गुजरना। मैं क्या करती हूँ वो कहती है कि मैं करती हूँ जब कोई टेस्ट जो है वो भी मैं एक साइड खड़ी हो जाती हूँ और उसे गुजरता हुआ देखती हूँ। एंड टेल माई सेल्फ
आपको चलना, ठीक है। अब हम करते हैं इसके जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। Yeah.
गार्डन में। ओके ये फर्स्ट के तीन ऑप्शन हो गए हैं, अब अपने ऑप्शन सेकंड करेंगे। सभी को इसको नोटबुक में अपने करना है वर्ड मीनिंग और ऑप्शन से। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द वर्ड दैट रेफर टू द, फाइंड द वर्ड दैट रेफर टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। ग्रास में रेफर जो मूव करता है उसको हम किस वर्ड से रेफर करते हैं वो बताना है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने विगल्स विगल्स वर्ड पढ़ा था। विगल्स क्या होता है, ऐसे लहरा के चलना, तो इसका आंसर आ जाएगा विगल्स। यहाँ पे विगल्स का वर्ड इज, यहाँ पे वर्ड का वर्ड इज विगल्स, और दैट शोज द this one.
हार्ड करोगे और इसे लर्न भी करोगे।